आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भाजपा नेत्री डॉक्टर उदित्या त्यागी और यति सन्यासियों ने आज यूनाइटेड नेशन मुख्यालय दिल्ली पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश के दो टुकड़े करके अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर उदित्या त्यागी हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे दिखा दो, हम लोग यूएन हेडक्वार्टर दिल्ली में हैं। मेरे साथ मित्र साहब हैं और मेरे साथ डॉक्टर विवेक कॉल हैं, जो लंदन से आए हैं, और आज हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आज हम यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जो है हिंदुस्तान के हिंदू यहाँ यूनाइटेड नेशंस में अपना विरोध और एक दुख जताने आए हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, जो कि हम 1947 से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद से देखते आ रहे हैं कि जहां जहां विभाजन हुआ वहां इस्लामिक जिहादियों ने हिंदुओं को कहीं भी जिंदा नहीं छोड़ा है। और अगर आज भी बांग्लादेश के दो टुकड़े नहीं हुए, वहां विभाजन नहीं हुआ और हिंदुओं को रहने के लिए एक सेफ और अलग जगह नहीं मिली, तो आप मान के चलिए आने वाले कुछ ही महीनों में 1.5 करोड़ हिंदू जो बांग्लादेश में है बिल्कुल मारे जाएंगे। और ये बात मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ और ऑनलाइन कह रही हूं। तो आप इस चीज को समझने के लिए आज हम यहाँ यूएन यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में गुहार लगाने आए हैं कि भाई आप इस प्रक्रिया को शुरू कीजिए, बांग्लादेश के विभाजन की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। अगर बांग्लादेश विभाजित होता है तो उन्हें मान्यता दीजिए, उसको किसी भी तरह से करके वहां जो रहने वाले हिंदू हैं, क्योंकि वहां लगातार उनका नरसंहार हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, उनके बच्चे डर के मारे रात को सो नहीं पा रहे, ऐसे में यदि हम हिंदुस्तान के हिंदू लोग भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो दुनिया भर में हम हैं ही कितने। दूसरी बात, क्या मानवाधिकार हिंदुओं के लिए नहीं है? और कब तक हिंदू भागते रहेंगे जहां वो अपने नेटिव नेशंस में रह रहे हैं? तो बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेशी हिंदुओं का भी घर है और उनको भी वहां रहने का उतना ही अधिकार है जितने दूसरे लोग रह रहे हैं। तो यूएन से हमारा सबका, आज हम सभी लोगों का ये निवेदन है कि जो विभाजन की प्रक्रिया है उसको तुरंत से तुरंत शुरू कर दिया जाए, जिससे कि विभाजन के बाद एक हिस्सा ऐसा बन जाए बांग्लादेश में जहां हिंदू आराम से सुरक्षित रह सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतक।